गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है 31 मई। जिस जिसके घर में छोटा शैतान बच्चा है, और अगर आप अकेले हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम करूं या बच्चा संभालूं, तो इस तरह से शैतान बच्चों को हैंडल किया जाता है। इनका वॉकर में बिठा दीजिए, और जब भी आप सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा, कोई भी काम करते हैं, तो पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए इनकी हैबिट भी हो जाती है कि चलना सीख जाते हैं। और ये हमारी गुड़िया, देखो इसको कोई ना कोई चीज चाहिए। अब वो उस डब्बे में एलोवेरा है, तो उसको तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर ये एक बार एलोवेरा को मुंह में ले गई तो ये कुछ भी चीज नहीं खाएगी फिर, क्योंकि बच्चे को डर हो जाता है कि कड़वी चीजें हैं। गुड मॉर्निंग करो सबको। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। और गाइज, 2 दिन से मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये रात को शैतान सोने ही नहीं देती है। सर मारेगी आके, पूछो मत। हाँ, तेरी बात नहीं कर रही, तेरी नहीं कर रही। वो पड़ोस में एक बच्चा है छोटा सा, उसकी बात कर रही। तेरी तो बिल्कुल बात नहीं करते भाई। हम तो कितने तो बहुत बदमाश। नहीं तो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। वेंचू। तो गाइज अभी लगाते हैं झाड़ू और जल्दी से करते हैं सफाई, उसके बाद टाइम हो जाएगा ब्रेकफास्ट का, तो काम फटाफट करते हैं फिनिश। कहाँ जा रहा है तू? मुझे पता है तू पत्ती तोड़ने जा रहा है पुदीने की। पता है मुझे तू कहाँ जा रहा है। तो गाइज अभी वंश का ब्रेकफास्ट हो चुका है, वो नहा के सो चुकी है, और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और ये देखिए लहसुन, ये है हमारे घर का लहसुन। लेकिन ये जो मार्केट से हम लहसुन लेते हैं ना, वो थोड़ा सा अजीब सा लहसुन होता है, टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। तो मैं आज बना रही हूँ प्याज और दाल की सब्जी। इसको बनाने के लिए मैंने बॉईल किया है यहाँ पे मूंग के छिलके वाली दाल बॉईल कर रखी है। आज क्या है, मेरे कुकर का जो सीटी थी वो खराब हो चुकी थी, कुकर खराब हो चुका था, तो मैंने इसमें बॉईल किया है। तो अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, मिर्ची, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं। ओनली प्याज लिया है मैंने, प्याज को मोटा मोटा कट करना है, और लहसुन। और इसी तरीके से मैं दाल और प्याज की सब्जी बनाऊंगी। मेरी मम्मी ये बनाया करती है, बहुत टेस्टी बनती है, तो मैंने सोचा मैं खुद भी ट्राई कर लूँ। हालांकि मैंने 1-2 दिन पहले बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो दाल और प्याज की सब्जी बन चुकी है फाइनली। इसका लुक जो है ये है, तो बहुत टेस्टी बनती है प्याज और मूंग की दाल की सब्जी, कभी आप भी ट्राई किया करें। तो मेरा लंच हो चुका है रेडी, इसमें है ऑनियन, और मैं लंच के साथ हमेशा प्याज खाना बहुत पसंद करती हूँ। ये चपाती, ये है दही और जीरा, और ये है दाल। तो फटाफट करते हैं लंच। तो गाइज अभी उठी हूँ मैं सोकर, और मुझे बनानी थी वीडियो, लेकिन मुझे आ गई नींद, और अभी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है बाहर। तो देखते हैं शाम को, अगर थोड़ा सा धूप कम होगा तो बनाएंगे, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो भी थोड़ा सा कुछ जूस वगैरह बनाते हैं, या तरबूज काटते हैं, क्योंकि भूख सा फील हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया खाना खाए हुए। तो काटते हैं तरबूज, क्योंकि वो पापा बेटी दोनों सो रहे हैं, उनको जगाना पड़ेगा दोनों को। और तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 3:30। वंश मेरा उठ चुका है, और मुझे शूट करना था एक हरियाणवी सॉन्ग पे रील शूट करना था, लेकिन मेरी बेटी मुझे नहीं छोड़ रही है, क्या करूं। ये ऐसे गोदी में आके चिपक गया, इसको पता है मम्मा कहाँ जा रही है, इसको पता चल जाता जब मैं रेडी होती हूँ तब। और गाइज आज है मेरा लुक कुछ ऐसा शूट का, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। तो वंश बेटा, मैं वीडियो बना लू वीडियो? नहीं, ये नहीं बनाने देगी भाई आज तो। ये तो जम गई है मम्मा की गोदी में आके, आज ये नहीं बनाने देगी, ये तो जम गई है मम्मा की गोदी में आके, मेरा छोना जब बाबू। तो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है आज, लिटरली इतनी कि वापस से 45 डिग्री का टेम्परेचर है। 2-3 दिन बारिश हुई थी तो थोड़ा सा मौसम ठीक था, बट लग नहीं रहा कि अभी वापस से बारिश आने वाली है क्या, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मुझे करना था आज फेस स्क्रब, क्योंकि बहुत दिन हो गए स्क्रब किए हुए, लेकिन आज तो टाइम नहीं है, तो देखते हैं कल अगर टाइम मिलेगा तो। और वंश को या तो चाहिए मेरी बिंदी या चाहिए मेरी इयररिंग्स, इनके तो ये पीछे पड़ जाती है,
बस निकालना होता है इसको। तेरे को भी बना दूंगी, जब तू थोड़े से बड़ा हो जाएगा ना तो तेरे कान में छेद करवा के बना दूंगी। देखो अब छोड़ दे तो बेटू ना प्यारा सा बाबू है मेरा। तो गाइज ये है वंशु और ये देखो तरबूज के साथ खेल रही है। तरबूज जितना तो वेट तेरे अंदर खुद के अंदर है और फिर भी तू तरबूज पंगा ले रही है भाई। ये देखो तरबूज खाना इसको बहुत अच्छा लगता है मेरी वंश को। तरबूज खाना तो बहुत अच्छा लगता है भाई। क्या करोगे इसका, क्या करोगे वंश? ये इससे उठ नहीं रहा, कोशिश कर रही है लेकिन उठ नहीं रहा इससे। वंशु अभी पापा आएंगे ना, पापा खिला देंगे तेरे को, तेरे से नहीं उठेगा ये, पापा खिला देंगे अभी आएंगे तो। तो वंश का तरबूज हो चुका है रेडी, लेकिन वंश को पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। अभी इसको दिख गया फोन, तरबूज खा लो अभी आप। ये लो वंश हमारी देसी तरीके से तरबूज खाती है भाई। नहीं आगे नहीं आना, तरबूज खाना है आगे नहीं आना, फिर पापा नहीं खिलाएंगे। ये लो देसी जुगाड़। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के मेरे पास में पर्सनल मैसेज वगैरह आ रहे थे कि मैम हमें एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा 100 कैलोरी आपको इंटेक करनी चाहिए, 100 कैलोरी लेके उसके बाद आपको वर्कआउट करना चाहिए और वर्कआउट करने के बाद में आपको कम से कम 400 कैलोरी का नाश्ता करना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और फाइबर हो, प्रोटीन हो, दोनों चीजें बैलेंस हो। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें वजन कम करना है तो कितनी कैलोरी लेनी होगी, वजन बढ़ाना होगा तो कितनी कैलोरी लेनी है, मेंटेन करना है तो कितनी कैलोरी लेनी है। तो एक सीधा सा एक लॉजिक है कि नॉर्मल इंसान को विदाउट एक्सरसाइज, अगर वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, 1500-1600 कैलोरी लेना जरूरी होता है। अब अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप 1000 कैलोरी इंटेक कीजिए, क्योंकि 600 कैलोरी जो है वो बॉडी आपकी फैट के अंदर से कंज्यूम करेगी। बॉडी तो 1600 कैलोरी पूरी करेगी लेकिन 1000 कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं वो खर्च करेगी, प्लस 600 कैलोरी आपके फैट में से कंज्यूम करेगी, तो आपका वेट लॉस होगा, आपका फैट लॉस होगा। अब अगर आपको वेट बढ़ाना है तो 1600 से 1000 कैलोरी आप ज़्यादा ले, तो 1600 कैलोरी बॉडी आपकी खर्च कर देगी और 1600 से एक्स्ट्रा आप 1000 कैलोरी ले रहे हो वो बॉडी वो आपको वेट बढ़ाने में काम आएगी। अब अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आप पर डे 1600 कैलोरी ही लीजिए, ताकि 1600 आप ले रहे हैं 1600 खर्च हो जाएगी तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो ये सीधा सा फंडा है। वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वेट गेन करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ में कितनी कैलोरी है और मैं जो इंटेक कर रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ उसमें कितनी कैलोरी में ले रहा हूँ। तो ये आइडिया आपको आ जाएगा कि सुबह से शाम तक जो 5 से 6 मील में लेता हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और 2 स्नैक्स, जो 5 मील जो होते हैं वो हम जो लेते हैं उनमें कितनी कैलोरी हम इंटेक कर रहे हैं। अगर आपको वेट बढ़ाना है कभी तो डाइट बढ़ा दीजिए, वेट लॉस करना है तो उसमें से कम कर दीजिए। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे खाना बंद करना है, तो बंद नहीं करना। आपको हर 2 घंटे पर छोटे छोटे मील लेने हैं और 1000 कैलोरी पूरी करनी है और वो भी हेल्दी चीज़ों से, तो आपका वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा, आप फिट रहेंगे और आप जितना चाहे जिस तरह से चाहे अपनी बॉडी को बना सकते हैं अगर आपको कैलरी अच्छे से पता है तो।
जल्दी मैं कैलरी पे एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी चीज़ में कितनी कैलरी होती है, तो आपको आसानी होगी कि मैं जो चीज़ खा रहा हूँ उसमें कितनी कैलरी बॉडी में जा रही है। आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, जब भी कोई चीज़ खाएं आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि इस चीज़ में 100 ग्राम या 200 ग्राम में कितनी कैलरी होती है, तो गूगल बता देता है। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है या कोई मापने की ज़रूरत नहीं है, आजकल गूगल मशीन का काम करता है। और फिर भी अगर आपका कोई इश्यू है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो और गर्मियों का टाइम है, तरबूज आप डेली 400-500 ग्राम तरबूज खाइए, उससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी बिल्कुल भी, आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से रहेगा और वेट लॉस में भी हेल्प करता है तरबूज। तो तरबूज खाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बना लेते हैं डिनर, क्योंकि 9 बज चुके हैं, वीडियो मुझे एडिट भी करना है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, बाय एंड टेक केयर।